हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में जो चैप्टर पूछा जाता है मैथ्स का, साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, इसका क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यह मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 है बच्चों। इससे पहले के जो 12 चैप्टर है वो आप लोगों को सॉल्व करा दिए गए हैं। 1 से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर आपको फुल सॉल्यूशन दे दिया गया है। इससे बाद के भी जल्दी से आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यदि जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है, वह हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका रीजन देखते हैं, सब्सक्राइब क्यों करवा रहे हैं हम आपसे। हम आपको बेटा जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो नया एडिशन आया क्लास 6 का अरिहंत बुक का, और साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड के 2023 के नए बुक का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जा रहा है। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो तो तुरंत करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो उनसे भी पहले कर लें जिनके पास बुक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बच्चों फ्री में दो बुक का, वो भी विद सॉल्यूशन, आपको फुल सॉल्यूशन के साथ दो बुक देखने को मिलेगी, जिससे प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और ये दोनों ही बुक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, सबसे खास होती है। तो दोनों का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले पार्ट में सॉल्व करा दिया, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये इसका 9th या 10th नंबर का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो आप देखेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों व 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है बच्चों, 150 है। ये आपको समझना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों और 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 है। तो मूलधन क्या होगा आपसे यह पूछा गया है। ध्यान से देखिए, 5 वर्ष और 7, तो यहां पर हमने लिखा 5 वर्ष, कितना बच्चों 5 वर्ष, ये हमने 5 वर्ष लिखा, ये 7 वर्ष लिखा, ठीक है। आप देखिए यहां पर, चलिए इस नंबर को आगे पीछे कर लेते हैं, हम आगे 7 लिख लेते हैं, पीछे 5 लिख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, इस पर रेट कितनी लग रही है बताइए। तो 10% यहां भी लग रहा है, 10% का यहां भी दर है, दोनों सेम है, ठीक है। अब ब्याज जो होता है ना बच्चों, वो इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल। जो ब्याज होता है वो क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 10% का ब्याज, देखिए 7 वर्ष में 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनना चाहिए, तो 70% कितना बनना चाहिए, 70%। और इसका देखिए 10 × 5 = 50% बनना चाहिए, ये कितना बनना चाहिए, 50%। आप देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया बच्चों, क्वेश्चन में बोला है 5 वर्षों और 7 वर्षों में ब्याज का अंतर कितना है, 150। 10% के हिसाब से 7 वर्ष में इतना ब्याज बन जाना चाहिए मूलधन का 70%, और 10% के हिसाब से 5 वर्षों में ब्याज कितना बनना चाहिए, मूलधन का 50%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 150। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया बच्चों, तो आप देखिए इनका डिफरेंस दिया 150, ठीक है। तो इनका डिफरेंस हम यहां लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 150। आप समझ में आ गया आपको, हम मान लेते हैं कि आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ जाइए, कुछ मानिए मत। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 70% - 50%, ये परसेंट में है और ये नंबर नॉर्मल है। अब जब परसेंट में माइनस हो गया, देखिए 70% में से 50% गया, तो 70 में से 50 गया तो कितना बचा बच्चों, 20% बराबर 150। अब जब ये परसेंट के साइन को हम हटाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, जब हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, तो जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है उसके डिवाइड में आ जाता है 100। ये तो पता है ना, हमने परसेंट में आपको समझाया था, बराबर 150। अब इसके अपॉन में हम 1 मान ले बच्चों, और क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए 150 × 100, और अपॉन में यहां से क्या चला जाएगा, 1 × 20, 20 × 20 = 25, कितना होता है बच्चों, 25 × 100। अब क्या बचा, तो देखिए आप कहेंगे सर जी 150 × 5 बचाए,
मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 0 0 5 5 25 2 5 5 2 7, तो ये आपका जो मूलधन है बच्चों वो क्या निकल कर आया है, देखिए यहाँ से 750 रुपीज, कितना निकल कर आया 750 रुपीज निकल कर आया है। किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए जरा, आप कहेंगे कि सर जी हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। साधारण ब्याज में बच्चों जो ब्याज होता है वह समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है, तो समय और दर का गुणनफल करें तो ब्याज निकला 70% ब्याज होना चाहिए। इधर देखेंगे 5 वर्षों में तो 50% ब्याज होना चाहिए। अब बोला है कि इन दोनों में 150 का डिफरेंस है, तो दोनों में 150 का डिफरेंस हमने रख दिया परसेंट में, 20% बराबर से 150 आया, परसेंट का साइन हटाया डिवाइड में आ गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 750, तो मूलधन क्या है 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो इसका आंसर आप लोगों को करके बताना है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन में दिया है 1000 रुपए की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर 3 वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से, तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। समझ में आ गया? अब देखिए कॉन्सेप्ट, अभी जो पहले क्वेश्चन में समझा हमने वही कॉन्सेप्ट। तो देखिए पहले 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज क्या है बच्चों, तो 2 वर्ष का अगर ब्याज की बात कर ली जाए बच्चों, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो किसके बराबर होगा, समय और दर के गुणनफल के बराबर। किसके बराबर होता है? समय और दर के गुणनफल के बराबर। तो देखिए समय कितना 2 और दर कितनी बच्चों 5%, कुल मिलाकर कितना हो गया 10%, मतलब ब्याज कितना मिलने वाला है 10% हमें ब्याज मिलने वाला है। अगले ब्याज की दर से फिर बाद में 3 वर्ष, मतलब कि बाद के 3 वर्ष, देखिए 3 वर्ष का ब्याज यहां पर देखते हैं बच्चों, बाद के 3 वर्ष का ब्याज आप देखेंगे तो 3 वर्ष समय दे, यहां पर दर बदल दी गई, दर कितनी कर दी गई बच्चों 8%, मतलब कि कितना ब्याज मिलेगा 24% ब्याज मिलने वाला है। फिर आगे देखिए तथा अंतिम 5 वर्षों में मतलब लास्ट के 5 ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, तो लास्ट के 5 साल का ब्याज आप देखेंगे बच्चों कितना है 5 × 10%, तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो अब देखिए हमें जो टोटल है बच्चों, टोटल यहां पर देखिए टोटल कितने वर्ष हो गए, 2 + 3 + 5 कितने हो गए 10 वर्ष, टोटल 10 वर्ष। अब 10 वर्ष में टोटल हमें कितना ब्याज मिल रहा है, तो यहां देखिए यहां पर आपको पता चल जाएगा ये है ब्याज, ये है क्या बच्चों हमारा ब्याज है। तो देखिए ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है, तो देखिए कितना 4, और यहां पर देखिए इधर जो 5 × 2 = 7 और 1 = 8, 84% ब्याज हमें मिलेगा। और ये 84% किसका निकालेंगे हम, मूलधन का 84% हमें ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना है जरा देखिए, तो बच्चों मूलधन कितना है ध्यान से देखेंगे, रुकिए थोड़ा सा, ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए मूलधन कितना है ध्यान से देखिए आप लोग, तो आप कहेंगे कि सर जी मूलधन है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का 84% हमें निकालना है बच्चों, है ना, यही तो है। 2 वर्ष का ब्याज मतलब कि आपने समय और दर का गुणा कर दिया वो ब्याज होता है, 10% ब्याज बनेगा मूलधन का, अगले 3 वर्ष में 24% ब्याज बनेगा मूलधन का, और अगले 5 वर्ष में 50% ब्याज बनेगा मूलधन का, कुल मिलाकर 84% ब्याज बनेगा 10 सालों में मूलधन का। तो 1000 मूलधन क्या है 1000 का 84% निकालेंगे हम, तो देखिए 1000 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब ऑफ, बोडमास विधि में आपको पता है हमने बताया था इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 84%। अब परसेंट का साइन हटाना है बच्चों, तो ये देखिए परसेंट का जब साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या जाता है 100, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचा मल्टीप्लाई कीजिए 84 और ये वाला 0 यहां लगा दीजिए, तो इसका जो ब्याज है बच्चों वो निकलकर कितना आया रुपयों में, कितना निकलकर आया, तो आप कहेंगे सर जी 840 रुपीज। किसमें नजर आया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें नजर आया बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर यह क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से दिया है शायद, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए महेश ने दिनेश को 1600 रुपए, अच्छा यहां से ऐसा है, चलिए देखिए महेश ने दिनेश को 1600 रुपए 3 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दिए, यदि दोनों राशियों पर उसे कुल मिलाकर 390 का ब्याज प्राप्त हुआ, तब
उस पे जो और उसकी जो दर है बच्चों वो भी समान है। दर क्या है? बिल्कुल एक समान है। तो वार्षिक दर क्या होगी यह आपसे पूछा गया है। मूलधन अलग अलग, समय अलग अलग, दर एक जैसी और दोनों को मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है? 390 रुपए। तो आप इसे कर लेते हैं। साधारण ब्याज का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है? तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है, आप लोग लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज के फार्मूले से ही कर देते हैं बच्चों हम इसे। साधारण ब्याज का फार्मूला बताइए जरा जल्दी से। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आता है बच्चों? बटे में आ जाता है 100। ये हो गया साधारण ब्याज का फार्मूला। अब देखिए कि ब्याज कितना मिल रहा है? 390। लेकिन दो अलग अलग चीजों का। देखिए यहां पर पहले वाले में क्या होता है? मूलधन कितना है? 1600। रेट कितनी है ये तो हमें निकालना है। और दर कितना, समय कितना है बच्चों? तो 3 ईयर। इतना ब्याज मिलता है, ये पहले वाले का ब्याज। ठीक है, अब दूसरे वाले का ब्याज इसी में प्लस करना है, मतलब दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर मतलब दोनों राशियों का, दोनों मूलधनों का अलग अलग ब्याज निकालकर जोड़ने पर पता चलेगा कि मूलधन क्या है। अब देखिए दूसरी राशि क्या है बच्चों? 1200 मल्टीप्लाई दर हमें यहां भी निकालनी है, बिल्कुल सेम दर है, समय दिया है 4 बार से, डिवाइड होगा बच्चों 100 से। अब इन दोनों के ब्याज को जोड़कर कितने रुपए मिलते हैं? 390 रुपए मिलते हैं। यह समझ में आया? 390 रुपए मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? आप देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर दोनों जगह 100 बच्चों, तो एलसीएम क्या आ गया आपका? 100। एलसीएम क्या आ गया बच्चों आपका? 100 आ गया। ये देखिए नीचे हमने लिख लिया एलसीएम 100। अब इस दर को हम क्या लिख ले बच्चों? तो इस दर को हम लोग थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, आर लिख ले। आर रेट कहते हैं ना इसे इंग्लिश में, आर लिखते हैं हम। इस दर को क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर आर लिखेंगे, क्योंकि दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है, रेट को हम आर से लिखते हैं। तो ये हमने आर लिख लिया, ये हमको प्लस माइनस करने में आसान करेगा। अब देखिए 63 जा 48 और ये 20 आर, ठीक है, प्लस आर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिख गया। 12 4 जा 48, यहां भी देखिए 20 इसके साथ लगेंगे और आर इसके साथ में आ गया, इसलिए हमने यहां पर लिख लिया था आर। दर अच्छे से नहीं लिखा था, हिंदी वर्ड है तो यहां इसके साथ में नहीं लिख सकते थे। अब इधर क्या आ गया बच्चों? 390। अब इसके अपॉन में वन माने और क्या करें बेटा, यहां पर क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सर जी आप कहें क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, सिर्फ एक ही नंबर का करना है, इसका नहीं, इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ ऊपर चला जाएगा, इसे वन मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए अब यहां पर वही करना है हमें। आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा बच्चों? 390 मल्टीप्लाई 100 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़िए तो 48 48 मिलाकर कितना हो गया? 9600 आर, ये ठीक है। अब हमें आर की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो आर इसके मल्टीप्लाई में है। देखिए यहां पर कोई साइज नहीं है, मतलब ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब इसे जब हम इधर भेजेंगे तो कहां जाएगा? डिवाइड में। 390 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 9600। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए इसका आंसर हमें निकालना है, तो इसे सॉल्व करना होगा बच्चों। अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करें, साइड में सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन भी दिखता रहे। देखिए ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, मतलब ये आपको सॉल्यूशन हमारा नजर आ रहा होगा, सॉल्यूशन नजर आता रहेगा तो आपको समझ अच्छे से आएगी। इधर मैं साइड में करता हूं। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो आर बराबर से हमने क्या लिख के रखा बच्चों? 390 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय क्या है? 9600। डिवाइड करते हैं बेटा, चलो डिवाइड कीजिए। किस तरीके से डिवाइड करना है? डिवाइड करना हमने आपको सिखाया है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 इधर आए तो कितना हो गया? 2 8 जा 16। फिर आप इधर देखेंगे तो 2 1 जा 2 1 इधर बच जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 में से 2 यूज किया तो 1 बचा है। 2 9 जा 18 1 इधर आए 2 5 जा, ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है? 95 डिवाइडेड बाय 48, ये बचा बच्चों। तो अब तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है, अब ये दोनों डिविजिबल नहीं है तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लाना, ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो 95 को हमने किससे डिवाइड किया बच्चों? 48 से। 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में होता है 96, जो कि ज्यादा हो गया, 1 टाइम में हमें लिखना पड़ेगा 48। आप देखिए 15 में से, यहाँ 5 में से 8 नहीं जाता तो बोरो लेंगे, तो 15 में से 8 गया 7, और यहां पर देखिए बच्चों 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 8 में से 4 गया तो कितना बचा? देखिए जल्दी से, 8 में से 4 गया तो बचा कितना? 4 बचा। तो ये क्या है बच्चों? 47। अब देखिए हमें क्या लिखना है, किसका राइट आंसर लिखना है?
राइट आंसर कैसे लिखते हैं, जो आंसर आता है उसे लिखते हैं सामने, और जिसे डिवाइड कर जो रिमाइंडर बचा उसे ऊपर, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। इस तरीके से इसे किया जाता है। तो यहां पर बच्चों हल्की सी हो गई है मिस्टेक, इसकी वजह से आंसर नहीं आया। देखिए यहां पर हमें लिखना था, यहां हमारा देखिए क्या आंसर आया था, आप देखेंगे 195, और हमने यहां सिर्फ 95 लिखा बेटा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, 195 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 195 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 195 डिवाइडेड बाय 48। अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर करते हैं हम, 195 डिवाइड करेंगे बेटा 48 से। डिवाइड किससे करना है, 48 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखिए 48 से हम 4 टाइम डिवाइड करेंगे, तो 48 जा कितना होता है 32 का 2, और यहां पर कह दिया है 3, 4 जा 16 और 3 मिलाकर 19, माइनस करेंगे 5 में से 2 गया 3, इधर कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों। अब हमें लिखना क्या है बेटा, आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखा जाता है, तो जो हमारा आंसर आया उसे लिखते हैं सामने, जो हमारा रिमाइंडर सक्सेसफुल होता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जो सक्सेसफुल होता है जिसे हम भाग दे रहे हैं उसे लिखते हैं यहाँ। आप देखिए क्या हमारा आंसर आ चुका है क्या, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसा तो हमें कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए ये रहा पूरे ऑप्शन सहित आप लोगों के सामने हमारा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसा तो हमें कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, तो देखिए यहाँ पर इजी है बच्चों, क्या करना होता है आपको, देखिए 3 बन जा 3, ये नंबर अभी डिविजिबल है तो इसे हमने काट दिया था, और 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, तो क्या आया देखिए 41 अपॉन में 16%। देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आया बच्चों, अब आपको नजर आ गया होगा करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कितना निकल कर आया था हमारा, तो चलिए मैं दिखा भी देता हूं। यहां पर निकल कर आया था बच्चों 4 हमारा आंसर आया था, 4 हमारा क्या आया था आंसर आया था, और ये देखिए 4 आंसर आया था सामने लिखा, जो सक्सेसफुल था उसे ऊपर 48 से। अब इसे हमने डिवाइड किया, क्या कर रहे थे बच्चों, इसे डिवाइड किया था 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, तो ये जो पीछे नंबर आते हैं अगर ये डिविजिबल है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 41 अपॉन 16 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहां आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, मूलधन क्या होगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, तो देखिए फिर से वही आ गया है, क्या बोला है 9 वर्षों, तो यहां पर 9 वर्ष लिख लेते हैं हम, 9 वर्ष में ब्याज की दर कितनी है बच्चों, 10% ब्याज की दर है, और इधर क्या दिया है 5 वर्षों में, मतलब 5 वर्ष ब्याज की दर तो वही सेम है 10%, ठीक है। इसे देखिए ये 9 वर्ष में 10% ब्याज की दर से, और यहां पर 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से, इन दोनों में जो ब्याज का डिफरेंस आता है बच्चों वो कितना होता है, 100 रुपए होता है। तो देखिए यहां पर ब्याज कितना बना, तो ब्याज जो होता है वह सिंपल इंटरेस्ट में दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ब्याज जो होता है वह दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का अगर निकालने तो मूलधन का इतने परसेंट निकालने पर ब्याज हमें पता चल जाता है। अब ऐसा कैसे होता है, तो आपको मूलधन गुणा दर गुणा समय, यह फार्मूला पता है, यह फार्मूला पता है आप लोगों को, और जिसके अपॉन में 100 भी होता है। तो देखिए यहां पर ये दर के साथ परसेंट लगा होता है उसके मतलब अपॉन में 100 होता है, समय का हम इसके साथ गुणा करते हैं, और मूलधन का बोलते हैं, मतलब यहां पर हम मूलधन का निकालते हैं ना गुणा करके, तो इस तरीके से ब्याज फार्मूला वही होता है, बस ये ट्रिक से आपको समझा दिया जाता है। अब देखिए 9 वर्षों में इतना, तो मतलब 10 9 90%, मतलब मूलधन का कितना परसेंट ब्याज बना बच्चों, 90%। यहां पर देखिए मूलधन का कितना परसेंट ब्याज बना, तो ये देखिए 10 5 50% ब्याज बना। तो अब आप देखेंगे कि एक जगह बनता है 90% ब्याज और एक जगह बनता है 50% ब्याज। अब हमसे कहा जाता है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, तो हमसे कहते हैं 100 के बराबर है, मतलब कि ये जो 50% ब्याज हमें मिल रहा है मूलधन का और 90% ब्याज मिल रहा है मूलधन का, इन दोनों में जो अंतर आ रहा 40% का, वो किसके बराबर है बच्चों, 100 के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कीजिए, तो देखिए 90% में से 50% गया तो कितना बचा बच्चों, 40%, और बराबर में क्या है 100 है। आप परसेंट का जब साइन हटता है बच्चों तो क्या होता है, इसी नंबर के डिवाइड में 100 आता है, बराबर में क्या है 100 है।
अब इसके अपॉन में हम वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए ये इधर चला जाएगा ये इधर, तो क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में 40। समझ में आया 100 मल्टीप्लाई 100 1 के मल्टीप्लाई में आया 40। देखिए 10 से 10 काट दिए, 4 से आप काटते हैं तो 4 से ये 25 टाइम में कट जाएगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यही तो टेबल 25 का, 25 मल्टीप्लाई 10 बचा, तो आप देखिए कितना हो गया। 25 का टेबल 10 टाइम लेंगे तो हम कहेंगे कि सर जी 250। करेक्ट आंसर इसका क्या है बच्चों, देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है 250 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे कि सर जी ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे बच्चों आज के टॉप क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए लेकर आए थे, और ये हमारा आपका जो ये जो चैप्टर है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा सॉल्व हो गया बच्चों। अब इसमें एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं बचे हैं, फुल सॉल्यूशन हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया है। और ये जो चैप्टर था ये आप लोगों की इस अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 13 था, इस बुक का फुल सॉल्यूशन हो चुका है, इस बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आपको अगर यह देखना है, नवोदय में सिलेक्शन लेना है अच्छे से, 100 out of 100 मार्क्स लेकर आना है, सभी सब्जेक्ट में बेटर नंबर लाकर 100 out of 100 मार्क्स करना है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर में, उसे टच कर दीजिए, उसका कलर चेंज होगा वैसे ही उसके ऊपर बेल आइकन आएंगी, तो सबसे ऊपर वाली बेल मतलब जो घंटी होगी ऑल वाली उस पर प्रेस कीजिएगा, तो हमारे जैसे ही नए वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखकर नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। जय हिंद बच्चों।